सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है, हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। अवैध स्टैंड तो हम हराल में हटा दें, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, थ्री व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा, उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है, इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे, क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं ये। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, नियमित पेट्रोलिंग करना, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। ढाबा भी अगर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो ढाबा को भी, इस प्रकार के अवैध ढाबों को भी आप सड़क के किनारे से हटाएंगे। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाई ओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, हम ऑनलाइन तो दें लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें। अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां ना चले। स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, एक कमर तोड़ू ना बनाए, एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने, अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहां पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है, लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए, इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको।